माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में बीते 10 वर्षों का कालखंड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति का साक्षी बना है। मिला है सबको स्वास्थ्य का वरदान, जन जन हुआ है आयुष्मान। भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति के इस अमृत काल में 31 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने। बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 1.64 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित हुए। मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 से बढ़कर 706 हुई। स्नातक और पारा स्नातक की सीटों में 112% और 126% की वृद्धि हुई। जन औषधि जेनरिक दवा के इस्तेमाल से जरूरतमंदों के 28,000 करोड़ रुपए बचे और एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हुई। इस मजबूत होते हेल्थ इकोसिस्टम को और भी सुदृढ़ करने के लिए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राजकोट गुजरात से देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार 200 से अधिक स्वास्थ्य परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण, 5 एम्स का राष्ट्र को समर्पण करेंगे। ये 5 एम्स राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलगिरी में स्थित हैं। 750 और 960 बेड की क्षमता वाले ये नए एम्स संस्थाएं अपनी उत्तम चिकित्सा व्यवस्था, हाईटेक मेडिकल उपकरण, वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम के साथ अपने राज्य और आसपास के क्षेत्र के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी। इन सभी संस्थाओं के सुपर स्पेशलिटी विभाग, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, आईपीडी तंत्र और आपातकालीन विभाग लोगों को विशेष चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे। आधुनिक चिकित्सा के साथ पारंपरिक चिकित्सा का लाभ आम जनों को मिले, इसीलिए इन परिसरों में आयुष ब्लॉक की भी स्थापना की गई है। साथ ही ई संजीवनी जैसी डिजिटल क्रांति द्वारा दूर दराज के क्षेत्र में बसे लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं देने की शुरुआत भी हुई है। साथ ही नई स्वास्थ्य परियोजनाओं के तहत बनने वाले विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक और एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं, NHM के अंतर्गत बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण, ICMR के अंतर्गत शोध यूनिट और खाद्य सुरक्षा के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के परिदृश्य को बदलेंगी। साथ ही PGIMER चंडीगढ़ के संगरूर और फिरोजपुर के सैटेलाइट सेंटर, जिपमेर पुडुचेरी के कराईकल में स्थित मेडिकल कॉलेज और यनम में स्थित मल्टी स्पेशल यूनिट भारत के कोने कोने तक उन्नत चिकित्सा सेवाओं का आधार रखेंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र का ये आधुनिक कायाकल्प पूरा करेगा विकसित भारत का संकल्प।